हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अफबाउस प्रिंसिपल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। चलिए देखते हैं। अब बात आती है ये कि स्कूल लेवल पे हमारे अगर क्वेश्चन आएगा या हमें यहां पर ही कोई क्वेश्चन करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो क्या हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना भारी भरकम डायग्राम बनाएंगे? जितनी देर में ये बनाएंगे उतनी देर में तो 5-6 कॉन्फ़िगरेशन कर डालेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम तो है। देन हाउ टू सेव अवर टाइम, टाइम कैसे बचाएं? टाइम बचाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक फोन नंबर बता रहा हूं, वो फोन नंबर नोट कर लीजिए। एक फोन नंबर बता रहा हूं, इसे आप ट्रिक बोल सकते हैं। बिल्कुल, ट्रिक टू लर्न अफबाउस प्रिंसिपल। तो फोन नंबर इंडिया का नहीं है, बाहर का है, ठीक है, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। फोन नंबर क्या है? 6। अगर आप इतना भारी भरकम डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप ये फोन नंबर लर्न कर लीजिए। 122, 334, 345, 456, 456, 756। आप लोग समझ ही गए होंगे ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझने के लिए सिर्फ दो बातें मालूम होनी चाहिए, वो क्या? उसमें से एक बात जो पहली बात है वो मैंने आपको बता दी। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, अपने भेजे में अच्छे से फिट कर लो। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो हो गई पहली बात जो आपको बता दी थी पहले ही। अब दूसरी बात, ये ट्रिक, ये फोन नंबर लर्न करने के लिए ये कैसे पूरा बना होगा, वही अफबाउस प्रिंसिपल, उसको समझाने के लिए आपको याद रखना है, जब भी कोई नया नंबर आएगा इनमें से, यहां से स्टार्ट करूंगा, और जब भी कोई नया नंबर आएगा तो वो कहां से स्टार्ट होगा? एस से। और अगर वही नंबर रिपीट करेगा तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? अगर उसके पीछे देखोगे एस हो चुका है तो पी, पी हो चुका है तो डी, डी हो चुका है तो एफ। ओके, तैयार हैं? चलिए, 1 नया नंबर है तो 1s2, 1 नया नंबर है तो 1s2, न्यू नंबर 1s2। 1s2 क्यों लिखा? 1 पहला नया नंबर है, s से स्टार्ट करेंगे और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा, 2 नया नंबर है, 2s2, 2 फिर से देखिए रिपीट कर गया, अब ये नया नंबर नहीं है, पुराना नंबर है, तो s हो चुका है तो आगे क्या लिखेंगे? 2p6। 3 नया नंबर है, 3s2, 3 फिर से रिपीट कर गया तो s हो चुका है तो अब क्या आएगा? 3p6। 4 नया नंबर है, दिख रहा है ना सभी को, 4 नया नंबर है तो 4 की शुरुआत कहां से करेंगे? 4s2। ओके, 4s2। 3, अब 3 देखिए फिर से रिपीट कर गया, पुराना नंबर है तो कहां तक हो चुका है? s हो गया, p हो गया, तो अब क्या आएगा? d, 3d10। 4 पुराना नंबर है, 4s हो चुका है तो 4p6। 5 न्यू नंबर, 5 तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 5s2। 4 फिर से देखिए पुराना नंबर, 4 कहां तक हो चुका था? 4p6, तो अब अपने को क्या बोलना चाहिए? 4d10। 5 पुराना नंबर है तो अब बोलेंगे 5p6। 6 नया नंबर है तो बोलेंगे 6s2। 4 पुराना नंबर, 4 में d तक हो चुका था तो अब चलेंगे 4f14। 5 पुराना नंबर है, 5p6 हो गया है तो अब चलेंगे 5d10। 5p6 हो चुका है तो अब लगेगा 5d10। 6 नया है कि पुराना? पुराना नंबर है, 6s2 हो चुका है, 6s2 हो चुका है तो अब चलेगा 6p6। 7 नया नंबर है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 7s2। 5 पुराना नंबर है, पुराना नंबर है, 5d तक हो चुका है तो अब लगेगा 5f14। ओके, 6 ये भी पुराना नंबर है, 6p6 हो चुका है तो 6d10। क्लियर हुआ? अब आप देखिए पीछे जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया था उस डायग्राम में ये वही चल रहा है, 122, 122, 334, 345, 456, 456, 756।
मैंने कहा था आप नीचे फिल कर सकते हैं, तब क्या होगा? अरे फोन नंबर में 2-3 डिजिट और जोड़ दूंगा, ये लेकिन कब होगा? अब आज की डेट में तो 118 एलिमेंट हैं और इनसे 100 के ऊपर तक का हो भी जाता है, तो जैसे जैसे और एलिमेंट आएंगे और जोड़ देंगे, है ना। अगर 30-40 साल तक और पढ़ाया मैंने तो आगे के आपको फोन नंबर में नया आ जाएगा, ठीक है।